आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेजी संत श्रमणि पंच वर्ष के जन की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि बासल मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदि सर्व आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान इनको सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 7 रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में और उसकी प्रांत जो अद्वितीय कार्य हुआ, ये वर्ल्ड में पहली बार नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी प्रांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ, वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वे भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वे विशाल पंच कल्याण की संपन्न हुआ था, फिर 2013 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ, फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आने प्रथम बार बड़ में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे प्रवास श्री मुनि आर्जिका श्रावक श्राविकम चलिका नाम सहकाल काल में श्रियाम जिनाभिषेकम 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 करमिति ॐ ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं बं 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 मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ऐं श्री 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 ह्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं दावे दावे नमस्ते भगवती श्रीमती ॐ ह्रीं क्लों मं पं कंडिकन हन हने जय जय दय दय पज 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 कुट कुट शीघ्र शीघ्र ह्रीं ह्रीं मं प प प प हा दिनेश नाम दिवसे सर अभिषेक कुमार नाम से अरविम अश्मी दिनेश नाम दिवसे अरविम ए विद्या जीवन अमृत जीवन परिवार नाम दिवसे संजय कुमार जी लाल नाम दिवसे अरविंद नीलेश कुमार जी नाम दिवसे अनिल कुमार जी नीलम देवी नाम दिवसे अरविम डॉक्टर अशोक कुमार जी सिंह राज सिंह नाम देवी शहर भक्त शहर नाम देव शहर भीम ऋषि भक्त सिंह नाम देव शहर भीम कमल कुमार जी नाम देव शहर संतोष कुमार जी कांति देवी नाम देव शहर भीम हरिनाथ जी अजय कुमार जी परिवार नाम से अतुल कुमार जी परिवार नाम देव सिंह शहर भीम भक्त कमल शहर कविता जी गणेशपुर वासी नाम देव शहर भक्त शहर भीम ऋषि विजय भक्त सिंह नाम जैसे मैम भक्त श्री अजय जादव जी नाम जैसे मम संत अशी कुमार जी नाम जैसे खैर भी ऋषि विभक्त सिंह नाम जैसे तेरे चरणों में रमा रहूं भक्ति रसा परसा जा जा दे ब्रीम ब्रीम से आचार्य श्री स्वर संसगर जी वीर सगर जी जम्बू सगर जी जय सगर जी आचार्य गुरु मुनि स्वाति परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि पंच वर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि
पास्टर ने मूर्तियां 40 108 देवी जगत जी महाराज के चरण में जला दी। अरे गिम नीरे पामिते आके पाने को अब चरण पूजने आया हूँ, हे नाथ मोक्ष पद पाने को चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। आचार्य दया सागर जी की मैं पूजा कर हर्षाता हूँ, हे गुरुवर दया सागर जी यह शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में रमा रहूं भक्ति रस पर छा जावे। ओम हिम श्री 108 दया सागर मिलिंदा साक्षात नेमी नगर में विराजमान उनके पावन चरणा बिंदु को मेरा मन नमस्कार से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, चला दिया आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिव्या ओम नमः सिद्धिव्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमुगणि मंगलम कुंदि कुंद्यार्यो जीनिधारिमोस्त मंगलम शैरासीनम जैनम जयतु शासीनम। बोले अहिं समय जिन धार्मिकी जय, बोले विश्व धार्मिकी जय, श्री मनो धार्मिकी जय, श्री वर्तमान जी शासन की महावीर भगवान की जय, श्री दीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर के मूल नेक श्री अक्षरप्रभा आदिनाथ भगवान की जय, द्वादशांग जी निर्वाणी माता की जय, विदीक्षित के विद्वान विधि संकर भगवान की जय, गाई दीपे तीन कम नौ करोड़े महा मुनि ऋषि राजों की जय, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। आत्मा की शुद्धि कैसी हो तो उससे पूर्व बाह्य शुद्धियों की आवश्यकता है। वह बाह्य शुद्धियों में नौ कार की शुद्धियां होती हैं। नौ कार की शुद्धियों में विशेष रूप से आपको आज बताने का प्रयास किया जा रहा है काय शुद्धि। हमारे आपका शरीर इसी काय के प्रिय काया, तो ये काया हमारी कैसी है? ये काया हमारी अशुद्ध है, इसका बीज अशुद्ध है, ये पला पुसा अशुद्ध स्थान पर है, जन्म हुआ अशुद्ध स्थान से और अशुद्ध ही इसका शरीर है। इसमें नौ मलद्वार वही निश्वासरी कभी शुद्धता ना हुई। ये प्यारे बंधु इस शरीर में मल मूत्र रज्जा खून मांस हड्डी आदि आदि सप्त धातुओं से ये भरा हुआ पिटारा है। इस पिटारे का जब चिंतन करो तो लगता है कि ये शरीर वास्तव में स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है। एक बात छोटी सी समझने की है कि आपके पास बढ़िया से बढ़िया एपिल है, आपके पास बढ़िया से बढ़िया डाढ़ी अनार है और निमित्त योग से आपके हाथ में से छूट कर वे गटर में गिर गया। कहाँ गिर गया? गटर में गिर गया। अब उसी एपिल को उस सेव को उस अनार को निकाल कर आप उठाने को तैयार हैं क्या? कितनी आपको भूख लगी हो, कितनी आपको खाने की इच्छा हो, क्या उस फल को आप निकाल के गटर में से खाओगे क्या? उसे उठाओगे क्या? कोई भी उस फल को उठाने के लिए तैयार नहीं है।
ठीक उसी प्रकार से ये शरीर किसने मल का पिटारा है, मल का बीज है और ये मल में पला पुसा है, मल द्वार से इसका जन्म हुआ है, फिर ये कैसे हमारा शरीर स्पर्श करने के योग्य। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्यों ने इसे शुद्ध करने का उपाय बताया। हमारे आचार्यों ने कहा है सम्यक दर्शन के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से, सम्यक चैतन्य के माध्यम से हमारी ये काया शुद्ध हो सकती है। जब तक ये काया हमारी सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य से शुद्ध नहीं हुई, तब तक हम इस शरीर को बाह्य शुद्धि के निमित्त से जल आदि से शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये शरीर जल से शुद्ध हुआ करता है, हम अपने देव साध गुरु की आराधना करते हैं, हम जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक प्रक्षालन करते हैं, जिनेन्द्र भगवान का स्पर्श करते हैं, तो हम अपने शरीर को शुद्ध किया करते हैं, मन वचन काय से शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और साथ ही माय शुद्धि के हिसाब से जल आदि से शरीर को शुद्ध करते हैं। ये वास्तव में जल से शुद्ध नहीं हो रहा है कि जल हम इसे पवित्र मानते हैं जल से, लेकिन प्यारे बंधु हमें अपने आत्मा को शुद्ध करना है तो हम वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य इससे ही हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। साथ में इस शरीर उसके माध्यम से जब हम तप तपना शुरू करते हैं, जब कोई विशेष पात्र आदि अशुद्ध हो जाया करता है, उस अशुद्ध पदार्थ को अशुद्ध पात्र को शुद्ध करने के लिए हमारे परिवार में या संप्रदायों में किस प्रकार की शुद्धि का उल्लेख है, अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्तन को शुद्ध करने के लिए तपों के माध्यम से तपाया जाता है। और जब ये शरीर शुद्ध होता है तो धीरे धीरे हम इस शरीर के माध्यम से साधु संतों के लिए भी बाह्य शुद्धि करते हुए आहार आदि दिया करते हैं। इसके उपरांत शुद्धि शुद्ध भावों से हम एकांत चित्त होकर तप त्याग साधना करते मंत्रों के आलोक में मंत्रों की साधना किया करते हैं, तब ये शरीर शुद्ध होता और धीरे 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 ये मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काया की शुद्धि हुआ करती है। तो प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में आत्मा की शुद्धि की ओर प्रगति करते हैं और जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं वैसी वैसी आगे बढ़ती चली जाती हैं। और एक दिन वह आता है कि हम अपने आप को परमात्मा के रूप में साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए प्यारे बंधु, आज ये बाह्य शुद्धि की अति आवश्यकता है। कोई जन्म मरण के माध्यम से अशुद्धियां हुआ करती हैं, कोई माता बहनों के लिए महीने में शुद्धियां हुआ करती हैं, कोई शुद्ध आदि की स्पर्श आदि से अशुद्धियां हुआ करती हुई, कोई चमड़ा आदि की स्पर्श होने से अशुद्धियां हुआ करती हैं और कोई मलमूत्र आदि की स्पर्श होने पर अशुद्धियां हुआ करती हैं। आज बाह्य की इन शुद्धियों पर हमें विचार रखना है, ध्यान रखना है कि बाह्य अशुद्धियां हमारे पास न आने पाए
अभय अशुद्धियों से हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें और बहिरंग शुद्धि निश्चित रूप से करके जब आप स्नान आदि करके ध्यान करने बैठते हो, जब पाठ आदि करने बैठते हो तो आपको लगता कि हम वास्तव में शुद्धि होकर कर रहे हैं और आप जिस दिन स्नान नहीं कर पाते, जिस दिन आप स्नान नहीं कर पाते उस दिन आपको जाप आदि करने में, पूजा पाठ आदि करने में मन लगता है क्या? आज मेरा जीवन धन्य हो गया, इस पास से मन बचने और काया तो फिरे अंतरंगी प्रणामों के साथ हमने वाहन शुद्धि करते हुए अपने आप को शुद्ध किया। किसी प्रकार की बाह्य शुद्धियों के माध्यम से बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े विधान और बड़े बड़े पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव उसी श्रृंखला में आपको प्रतिदिन तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर पर भक्तमर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ 18 अगस्त से 27 अगस्त तक वही शाश्वत श्री महादिव्य यंत्रराज विद्यमान तीर्थंकर भगवान का विधान करने का सौभाग्य मिलेगा। जैसी जैसी पवित्रता के साथ आप विधान करेंगे वैसी वैसी आपको और अधिक परम साथी से पुण्य प्राप्त होता रहेगा, ऐसा आपको अवसर है। तीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर में ये महान अवसर क्षेत्र क्षेत्र पर्यटक केंद्र क्षेत्र ये आपको प्राप्त है, आप इसमें आए, आपका ही क्षेत्र आपका अभियान आप करके परम साथी से पुण्य को प्राप्त होंगे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु वरिष्ठ परम तपस्वी बालचारी परम तीसी संति श्रोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वैवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय।